हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम और आप सबको रमदान करीम। आप सबका स्वागत है इन अ ब्रांड न्यू शो दैट्स कॉल्ड क्लिक ऑन फ्लेवर्स ऑफ रमदान पावर्ड बाय योप्ले योगर्ट एंड ग्रैंड मिल्स फ्रेश चक्की आटा। मेरा नाम है गौरव, नाम तो सुना होगा। देखिए शुरू हो चुका है द होली मंथ ऑफ रमदान, जहां पर मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड रोजा रखते हैं। अब रोजा रखने के कई सारे फायदे हैं एंड उनमें से एक ये है कि दिस गिव्स यू अ चांस टू रियलाइज द सफरिंग्स ऑफ द पुअर, क्योंकि दुनिया में हर किसी को रोज खाना नहीं मिलता है। ऑल्सो दिस गिव्स यू अ चांस टू प्रैक्टिस सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि देखिए सुबह से लेकर शाम तक ना कुछ खाना ना कुछ पीना, ये कोई आसान बात नहीं है। अब इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, ये रोजा आपको खुद अपने आप रखना पड़ेगा। लेकिन जहां पर बात आती है रोजा खोलने की, आहा, यानी कि इफ्तार करने की, या फिर अगर आप सोचते हैं कि रोजा रखने से पहले सहरी में मैं क्या बनाऊं क्या खाऊं, तब आपको हमारी याद आनी चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि वी आर मिडल ईस्ट बिगेस्ट एशियन रमदान कुकरी शो। अब देखिए इस शो पर मेरे साथ होंगे 8 शेफ्स जो 15 एपिसोड्स में आपके लिए बनाएंगे 45 रेसिपीज। अब ये कोई आम रेसिपीज नहीं होंगी, दीज विल बी रेसिपीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। 8 chefs, 15 episodes, 45 recipes from around the world, all on one show. चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपनी पहली डिश से, और पहली डिश हम लाए हैं आपके लिए कश्मीर से। देखिए कश्मीरी जो लोग होते हैं इन्हें खाने का बड़ा शौक होता है, और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी एक पूरी लेक का नाम खाने पर रख दिया है, दाल लेक। ऑफकोर्स हम आपको दाल बनाना नहीं सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे कश्मीर की बहुत ही पॉपुलर डिश जिसका नाम है गोश्तावा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कश्मीर में किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाएं और आपको गोश्तावा ना मिले। तो आप इतने बड़े शो में आए हैं, यहाँ आपको गोश्तावा ना मिले ये भी नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान से देखिए कि गोश्तावा कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में ये बिल्कुल ही मजा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ एब्स और आज मैं आपको जो रेसिपी दिखाने वाला हूँ that is inspired from Mughal cuisine, comes from all the way from Kashmir, okay? This is goshtawa. We're gonna use mutton today. Lamb mince hai. This is nice and fine lamb mince. You can use mutton mince also, okay? I'm gonna add some Kashmiri chili powder. Some meat masala. थोड़ा सा डालते हैं धनिया पाउडर, क्यूमिन पाउडर। कश्मीरी क्विजीन के बारे में एक चीज ऐसी है कि कश्मीरी क्विजीन में ज्यादा अनियन, गार्लिक या जिंजर यूज नहीं होता है, लेकिन इस रेसिपी में जिंजर और अनियन बोथ यूज हुए है। लेकिन एक यूनिक चीज है जो कश्मीरी क्विजीन में यूज होती है, दैट इज फेनल पाउडर, जो सौंफ होती है उसकी पाउडर। तो हम थोड़ी सौंफ पाउडर डालेंगे, थोड़ा जिंजर पेस्ट, हल्का सा नमक, और मैंने यहाँ पे पहले से ही सैफ्रॉन को सोक करके रखा है इन अ वॉर्म वाटर, सो आई एम जस्ट गोना टेक लिटिल लिक्विड फ्रॉम दैट एंड पुट इनटू अ मिक्स। देन मिक्स इट वेल। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। नाउ दिस मीट is nicely mixed with all the spices. Let this breathe and take all the flavors from the spices. Meanwhile, we're gonna slice some onions. मेरे पास ये है किचन रोबोट, जो कि ये नायाब मशीन है, ये मिनटों में स्लाइस करता है, चॉप करता है। देखिए आइए देखती है कैसे करता है। मेरे पास सम ऑलरेडी पील्ड अनियंस यहाँ पे है, मैं यहाँ पे डालता हूँ और मैं कहता हूँ रोबो चलो स्लाइस करो। डन, इवन 2 seconds। देखिए ये नाइस स्लाइस अनियन बन चुके हैं, मीट रेडी है। तो हम अभी मीट के बनाएंगे छोटे छोटे गोले, ज़्यादा बड़े मत बनाइए ताकि पकने के लिए थोड़ा टाइम ना लगे। बन गए हैं अपने मीट बॉल्स गोश्तवा के लिए, तो आइए बनाते हैं सॉस। सॉस के लिए थोड़ा पैन को हीट कीजिए, हल्का सा ऑयल लीजिए, और हम ये जो स्लाइस अनियन जो हमारे प्यारे किचन रोबोट ने किए है वो यूज करेंगे। बिट ऑफ स्लाइस अनियन,
अनियन अभी हल्के से भून चुके हैं, अब हम उस पर डालेंगे हमारे गोश्ता व मीट बॉल्स। और इसी वक्त हम डालेंगे थोड़ा खड़ा मसाला, थोड़ी कार्डमम और सिनेमन स्टिक। अब हम डालेंगे इसमें मसाले, जैसे कि फेनल पाउडर, कश्मीरी स्पेशलिटी है फेनल पाउडर, लिटिल बिट क्यूमिन पाउडर, थोड़ा चिली पाउडर और थोड़ा मीट मसाला। All the spices flavors are coming out. I can smell it so nice. This is going to be a delicious dish. हम थोड़ा सा saffron का जो पानी पहले बनाया था वो यहाँ पर डालते हैं ताकि सॉस को अच्छा सा कलर आए। अभी इसे फिनिश करते हैं थोड़ा सा क्रीम और योगर्ट से, हल्का सा एक स्पून क्रीम, एक चम्मच योगर्ट और इसे मिक्स कर देते। चलिए गोश्ता वा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, यू कैन सी योर नाइस ऑरेंज कलर देयर। के उससे पहले प्लेटिंग करने से पहले थोड़ा सफाई कर लेता हूँ। अपना नायाब गोश्ता वा रेडी है, लुक एट दैट कलर, ब्यूटीफुल कलर। और प्लेटिंग के लिए सिंपल है, कोई भी राउंड प्लेट ले लीजिए। अरेंज मीट बॉल्स फर्स्ट इन अ प्लेट। अब इसे हम हल्के से गार्निश कर देते हैं सैफ्रॉन। You can toast the saffron or just nice saffron leaves on top or chilies and finish with cream. Halka sa ek drizzle dijiye. Goshtawa, agar aaj tak aapne khaya nahi hoga to aapko Kashmir jane ki zarurat nahi hai, ye aapke kitchen mein bhi ban sakta hai. Goshtawa banane ke liye lamb minced lijiye, उसमें डालिए लाल मिर्च, मीट मसाला, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, अदरक पेस्ट, नमक, केसर पानी और थोड़ा पानी लेकर अच्छे से मिक्स कीजिए। अब मैरिनेटेड मिंस लैम्ब के छोटे गोले बना दीजिए। अब गोश्ताबा सॉस बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम कीजिए, उसमें स्लाइस्ड अनियंस डालिए और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। अब मिंस लैम्ब के गोले को पैन में डालिए और कुछ इलायची के टुकड़े डालिए, सौंफ पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, मीट मसाला और केसर पानी भी डालिए। आखिर में क्रीम और दही डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब गोश्तावा को सर्व कीजिए और केसर, मिर्च और क्रीम के साथ गार्निश कीजिए।